ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे खोजियों, हुकुम के आगे कुछ भी कुछ नहीं। कल गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी, उस उपलक्ष्य में आज कुछ बातें सुनकर हुकुम साधना को भी समझने का प्रयास करें। गुरु नानक का जीवन हुकुम साधना की गवाही है। आप यह जीवन सुने, कुछ झलकियां सुने और जीवन के पीछे जो साधना छिपी थी वह समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। सभी आंखें बंद करें। सच्ची प्रार्थना कैसे हो सकती है? मनन करें। सच्ची दुआ, दिल से निकली दुआ कैसे हो सकती है? इस पर ध्यान करें। सच्ची नमाज, सच्ची अरदास, सच्ची मैत्री, सच्ची दया, सच्ची करुणा कैसे प्रसारित की जाती है, इस पर मनन करें। सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाएगी तो इस प्रार्थना बीज का फल दूर दूर तक प्रसारित होगा। सबको इसका फल मिले, इस भाव से प्रार्थना करने के लिए पहले मनन करें। क्या मेरी प्रार्थना सच्चे दिल से होती है? क्या उनमें भाव है? क्या उनमें प्रेम है? क्या उसमें सच्ची कामना है, शुभेच्छा का बल है? अगर कम है, अगर नहीं है तो क्या याद करने से यह बल आता है? क्या स्मरण करने से यह भाव जगता है? उसे याद करें, बल को बढ़ने दें, तप को बढ़ने दें। इस वक्त आप बैठे हैं, इस तप को अर्जित कर रहे हैं, इसे बढ़ने दें, बढ़ने दें। हमारी प्रार्थना के दौरान हमारे विचार कहाँ होते हैं? क्या वे मौन में लीन होते हैं? क्या वे भावों को जगा रहे होते हैं? क्या वे एक दिशा में होते हैं? क्या वे निस्वार्थ भाव को लाकर मदद कर रहे हैं या
इस समय को भी हम भूत और भविष्य में जाकर कमजोर कर देते हैं। कहीं हमारी प्रार्थनाओं में कलाबाजियां तो नहीं चलते रहती हैं, तो इस समय का सदुपयोग करें, पूरी एकाग्रता होश अवेयरनेस में इस प्रार्थना को प्रसारित करें। इस समय में अपनी समस्याओं पर सोचते न बैठें, सब पर काम हो रहा है। इस वक्त इतने सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं जो पूरी श्रद्धा से अनुपम मंच पर योगदान दे रहे हैं, जो आत्मनिर्भर बने हैं औरों के मंगल के लिए बैठे हैं। आप भी उसी भाव में, सबका मंगल हो इस भाव से मन ही मन दोहराएं, बार बार दोहराएं, इस तरंग को कार्य करने दें। पूरे विश्वास के साथ आपके द्वारा कहे गए शब्द सबका मंगल हो, प्रेम आनंद तपर्पण के साथ अपने तप का बल समर्पित करें। फील करें ये होते हुए, महसूस करें खुशी को, देने के भाव को। मनुष्य देह का लक्ष्य पूरा हो रहा है, ईश्वर की अभिव्यक्ति हो रही है आपके मनो शरीर यंत्र द्वारा, दान हो रहा है, सबका मंगल हो रहा है। ध्यान जारी रखेंगे इस निर्माण हुई ऊर्जा का भरपूर लाभ लेंगे। ध्यान जो लग चुका है, सद चुका है, उसे कंटिन्यू रखें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। बोले सो निहाल सत्य श्री अकाल। पंक्तियां हम सुनते आए हैं, बोले सो निहाल। निहाल यानी खुश, जो कहेगा वो खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा? क्योंकि वह किस चीज का नाम ले रहा है, उसकी पहचान है, तब वो निहाल होगा, तब खुशी होगी। बोले सो निहाल सत्य श्री अकाल। सत्य श्री अकाल उस अवस्था, उस अनुभव, उस ईश्वर, उस अल्लाह के बारे में कहे गए शब्द हैं। अकाल शब्द का अर्थ अमर है। कौन सी चीज है जो हमारे अंदर अमर है? काल जिसका नहीं आता, और काल का दूसरा अर्थ है समय, जो टाइमलेस है, जिसका समय मरने का कभी नहीं आता, वह समय से परे है। सत्य जिसको कहा गया है, उसका अर्थ जब समझ में आएगा तभी कोई कह पाएगा कि यह कहते ही आप निहाल हो जाओगे, खुश हो जाओगे।
क्योंकि पहचान है, गुरुमुखी भाषा है तो उसका अर्थ भी समझना, जो गुरु की वाणी है उस भाषा में, वहां तो एक ही चीज का इशारा किया गया होगा, उसी मोक्ष की तरफ जाने के लिए उसे गुरुमुखी भाषा कहा जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब लोग पढ़ते हैं, साहिब का अर्थ ही होता है मालिक। उस काल में जब गुरु नानक का जन्म हुआ, लाहौर के नज़दीक तलवंडी गांव में जन्म होते ही आश्चर्य देखा गया उस बच्चे के लिए कि बच्चा पैदा होते रोता है, मगर गुरु नानक मुस्कुरा रहे थे। अलग कोई बात, लोग देखते हैं तो घबरा भी जाते हैं, बच्चा मुस्कुरा रहा है, यह आगे चलकर बहुत बड़ा महापुरुष बनने वाला है, सभी इसका आदर करने वाले हैं। स्कूल में प्रेजेंटी शायद उतनी न हो जितनी सत्संग में प्रेजेंटी थी, और वहां पर उन्होंने सभी तरह के संतों की वाणी सुनी, चाहे वो मुस्लिम संत भी क्यों ना हो, यानी बचपन से ही दोनों तरह की बातें सुनने को मिली। 5 साल की उम्र में जब स्कूल भेज दिए गए, सिख तभी से थे, यानी सीखना क्या होता है गुरु नानक से कोई सीखे, क्योंकि 5 साल की उम्र में ही उनकी स्लेट पर गुरु ग्रंथ साहब उतरने लगा। जब सवाल पूछा टीचर से उन्होंने कि अ का अर्थ क्या होता है, तो ये बच्चा लिख रहा है स्लेट पर, कुछ लिख रहा है। टीचर ने जब कहा दिखाओ स्लेट दिखाओ, वो स्लेट पर क्या लिखा था, एक है वह ईश्वर जिसने सारी दुनिया बनाई, जिसे सतनाम कहा जाता है। सिख का अर्थ ही आप समझ रहे हो, जो सीखता है। अगर 100% ध्यान से कोई काम करता है तो कितना जल्दी कुछ सीखा जा सकता है। उस बालक में वे गुण उस वक्त से ही थे, सुबह नहाने गए 3 दिन तक लौटे ही नहीं, लोगों ने सोच लिया शायद पानी में डूब गए, और हुआ क्या, वे वहीं पास की गुफा में बैठ गए थे जहां समाधि में चले गए। 3 दिन तक वे उस समाधि में रहे। उस दिन के बाद जो जीवन का यूटर्न कहा जाए, यानी जहां से फिर उनका जीवन पूर्ण बदल गया, यानी उसके बाद फिर वे यात्रा पर निकल पड़े। गुरु नानक के द्वारा लोगों को साफ साफ बताया गया कि असली धर्म क्या, असली मजहब क्या, जब तक हमारे अंदर गुण नहीं है तब तक हम माया के बहकावे में आ जाएंगे। माया हमें उकसा सकती है, जब हमारा चरित्र बल है, जब हमारे अंदर गुण है, तो माया हमें नहीं उकसा सकती। गुरु नानक का शरीर किन बातों के लिए निमित्त बन रहा था, क्या बातें सिखाने के लिए, यूटर्न आने के बाद लोगों को वे साफ साफ बता पाए कि असली नमाज क्या है, असली हिंदू कौन, असली मुसलमान कौन। उसके लिए गुणों को प्राप्त करना है, गुणों पर, क्वालिटीज पर उन्होंने लोगों को बार बार ध्यान दिलाया। मन मस्त हाथी की तरह भटकता है, इसको अभ्यास के द्वारा, जप के द्वारा ट्रेनिंग दी जाए, उसको नाम दिया जाए, सतनाम दिया जाए, उसके स्मरण से उसे कंट्रोल में लाया जाए, इस तरह की शिक्षाएं उन्होंने दी। भक्ति मार्ग का महत्व बताया गया, जब इंसान भक्ति में है तो कैसे कठिन से कठिन कार्य आसानी से हो जाते हैं, तो कि किस तरह का जीवन हो सकता है अगर मन को सतनाम, ईश्वर के नाम की धुन है, प्रेम है, तो कठिन से कठिन कार्य कितना आसान हो सकता है। अंगद जो पहले बाई लैणा बनकर उनके शिष्य बने थे, उनकी भी उन्होंने कड़ी परीक्षा ली, क्योंकि उनको आगे गादी दी। ऐसी कई घटना है जो बताई गई है, कभी लोटा उन्होंने फेंक दिया कि जड़ में और कहा लोटा निकाल कर दो गंदगी से, और कोई तैयार नहीं हो रहा है, किसने नए कपड़े पहने हैं, किसी को घिन आती है, कोई किस कारण से, कोई किस कारण से, मगर भाई लैणा ने तुरंत वह काम करके दिया। आज्ञा, प्रेम इतना ऊपर था, इतना ज्यादा था,
तो वह गिन वह नफरत बाजू में हट गई। पैटर्न्स ऐसे टूटते हैं, कोई प्रयोग ही नहीं करे कैसे कोई पैटर्न तोड़ सकता है। गुरु नानक ने तब कहा कि पानी बरसता है ऊंचाइयों पर भी उतना ही बरसता है, नीचाइयों पर भी उतना ही बरसता है, मगर टिकता कहाँ है? नीचे टिकता है। अहंकार ऊपर होता है, वहां पानी नहीं टिकता। सिख जो है 10 गुरुओं में आस्था रखते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में आस्था रखते हैं। 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने सिख लोगों को खालसा शब्द नाम दिया, ये खालसा कहलाएंगे। खालसा का अर्थ प्योर वन, जो पवित्र है, जो प्योर है, खालिस है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की ही फतेह हो। हमेशा संगत को कहा गया अपने अंदर गुण लाओ, गुणों को बढ़ाओ, ताकि माया तुम्हें कभी उकसा न पाए। तो गुरु आज्ञा में रहने वाला होगा, गुणों को तैयार किया होगा, अभ्यासी होगा, तो माया को देखकर भी अटकेगा नहीं। तो सभी बातों पर गहराई से मनन किया जाए। अपने गुणों का विकास करने के लिए कार्य कर रहे हैं तो असली सिख बने, सच्चे सिख बने। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।